तो दोस्तों सबसे पहले आपको आइडिया स्मार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। जैसे कि आप ओपन कर लेंगे और इसमें अपना पिन डालकर एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लीजिए, और एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही आप लोग को यहाँ पर देखिए न्यू सब्सक्राइबर एडिशन में चले जाना है। यहाँ पर से अब आप लोग को नंबर एंटर करना है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको चॉइस पर क्लिक कर देना है। चॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको सेकेंड ऑप्शन में FRC सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर पैटर्न चूज कर लेता हूँ। पैटर्न में जो आपको नंबर चाहिए होगा उसको लास्ट के 3 अंक आप डाल दीजिए, ये नंबर वहाँ से अवेलेबल होगा तो शो कर जाएगा और आपको दिखा देगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे 76 ये नंबर, ये देखिए 002 वाला देख लेता हूँ एक बार, और मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि ये नंबर अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक बार दोबारा से नंबर चूज़ करता हूँ और ये नंबर डिलीट करके मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ। पहले मैं एक बार सिम अपना स्कैन कर लेता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर ये नहीं है, तो देखिए मैं यहाँ पर से नंबर हटा के मैं एक बार दूसरा नंबर डालता हूँ। और यहाँ पर से देखिए नंबर डालकर फिर मैं एक बार सर्च करता हूँ, मुझको कुछ इस टाइप का नंबर चाहिए। तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट आ गई, और लिस्ट में से कोई भी मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके नीचे आप लोग अपना जो सिम नंबर है उसको स्कैन कर लीजिए या फिर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है। फिर इसके नीचे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। याद रहे दोस्तों आप लोगों को कस्टमर का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूरा एंटर कर दीजिए, और इसके नीचे फिर यहाँ पर जो ये इश्यू डेट आता है इस पर तो क्लिक होता नहीं है, शायद क्या पता आगे अपडेट होकर कुछ ऑप्शंस आ जाएं जिसमें ये एडिट हो सके, तो अभी तो ये एडिट होगा नहीं। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड लिया उसका फ्रंट साइड का फ़ोटो फर्स्ट में ले लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए ये देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपने कस्टमर का। बिल्कुल क्लीन आना चाहिए दोस्तों, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइड हो रहा है तो मैं इसको साइड खिसका लेता हूँ। देखिए अच्छे से नहीं बैठा, तो फिर भी मैं एक बार दोबारा भी ट्राई करूँगा, और वैसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ फिर से एक बार और लेने की। तो अब मैं एक बार बैक का ट्राई करता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बैक की फ़ोटो अच्छे से ले ली, और अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप लोग इसको क्रॉप कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल फिट आ जाना चाहिए डिस्प्ले में, लेकिन ये हमारा अभी सही से बैठ नहीं रहा है, इसलिए क्या पता हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसलिए मैं इसको डिलीट करके दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ, और दोबारा से मैं फ़ोटो लेता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर से जैसे हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से फ़ोटो लेता हूँ, और अभी बहुत ही क्लीन फ़ोटो ले लूँगा इसको, बहुत ही जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन फ़ोटो ले लेना है दोस्तों। देखिए चारों साइड से बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। ये देखिए ये अभी थोड़ा स्टेप से आया, ये अब मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। ये ऊपर से आप लोग क्रॉप कर लीजिए इसको छोटा करके, और क्रॉप हो जाने के बाद में इस पर क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक हो जाए फिर मैंने फ्रंट का ले लिया, अब मैं बैक का लेता हूँ। अभी फिर से मैं गलती से फ्रंट का ओपन हो चुका, तो मैं फिर भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि स्टेप से लेना है। तो ये फ्रंट का ओपन होने के बाद में जैसे ये ले रहे हैं, एक बार नॉर्मली आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए इस टाइप से आपको क्रॉप कर लेना है, इसमें बिल्कुल फ्रेश सिर्फ आपका आधार कार्ड का दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती से दोनों इसमें मैंने फ्रंट ले लिया, तो मैं इसमें बैक का ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने बैक का ले लिया। अब यहाँ पर सेम एज POI कर देना, मतलब आप सिर्फ आधार कार्ड से करना चाहते हो सेम पर क्लिक कर दीजिए, नीचे का फॉर्म भर जाएगा। और यहाँ पर आपको कस्टमर की फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कस्टमर के फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ, नीचे जो कैमरे का फ़ोटो है, और देखिए मैं किस टाइप से फ़ोटो ले रहा हूँ, सेम ऐसे लेना है। वहाँ पर नीचे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे आ रहे हैं, ये देखिए ओपन एंड क्लोज योर आइज़, ठीक है। इस टाइप से आप लोग लेंगे तुरंत आपकी फ़ोटोज खींच जाएगी। अब आप लोग सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया हमारा नया फॉर्म ओपन हो गया। वहाँ पर देखिए दोस्त फर्स्ट में आ रहा है एंटर डिटेल्स विद QR कोड, तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे कस्टमर के पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था, इसलिए मुझको पूरा फॉर्म फिर से डालना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग कुछ ऐसा करेंगे तो जो ओरिजिनल आधार कार्ड होगा उस पर डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा,
मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस से आपके पास आता है, और अगर आप लोग के पास नेट से निकलवाया हुआ आधार कार्ड कोई कस्टमर लेकर आता है तो उसका स्कैन नहीं होगा। तो ऐसे इस टाइप से आप लोग करेंगे तो मैं फॉर्म ये पूरा फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कस्टमर का पूरा डिटेल्स भर लेना है आपको जैसा उसके आधार कार्ड में है, और सेम वही स्पेलिंग डालनी है दोस्तों, कोई भी एक मिसमैच नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप सेकंड ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है कस्टमर की, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट अच्छे से कर लें क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के टाइम यही मांगा जाएगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए पापा का नाम मांग रहा है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम भी आप लोग अच्छे से एंटर कर दीजिए। आप उनके आधार कार्ड में देख लेंगे, आधार कार्ड में मिल जाएगा। तो ये आप लोग सही सही भर लें दोस्तों, और कस्टमर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रहने दें। और सबसे खास बात दोस्तों, जो ये अल्टरनेट नंबर है, अल्टरनेट नंबर कस्टमर का नंबर ही हो और परमानेंट चालू नंबर हो उसका, मतलब कि अभी उसमें नेटवर्क आ रहे हो और उसमें मैसेज आ सके, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम भी ज़रूरत पड़ेगी, और अभी आप सिम खोल रहे हैं तो इस टाइम भी एक OTP आएगी बाद में, ठीक है, जब मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इसलिए अल्टरनेट नंबर खास तौर से जो नंबर चालू हो वही डालें, ये तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में फिर से एड्रेस फिल कर देता हूँ। तो ये तीन स्टेप में ये कंप्लीट होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देते हैं। पिन कोड एंटर करने के बाद में यहाँ पर अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे आप। देखिए जैसे मैंने पिन कोड एंटर किया हमारी सिटी डायरेक्ट आ गई। अब मैं अपना विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर से, जो कस्टमर का है उसके आधार कार्ड में देख लें आप। ऐसा करने के बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो नीचे का फॉर्म भी अपने आप फिल हो जाएगा। देखिए अब हम लोग फिर से अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ सिटी। देखिए दोस्तों सिटी सेलेक्ट कर ही रहा हूँ मैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो देखिए मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ये अब हमें ये प्रोसेस दिखा रहा है कि हमने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्शन हमें जीरो कर देना है। जीरो करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फॉर्म इजीली फिल हो जाएगा। यहाँ पर अब सेल्फ एम्प्लॉयड पर मैंने क्लिक कर दिया, कस्टमर का ऑक्यूपेशन मांग रहा है, ठीक है। ये हमने डालने के बाद में ये फॉर्म हमारा दिखा रहा है, आप लोग चाहें तो इसको जूम करके देख सकते हैं ऐसे कि आपने क्या क्या डाटा फिल किया है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है दोस्तों, इसलिए अभी धुंधला दिख रहा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लें। मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं अभी सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और आगे का ऑप्शन दिखाऊँगा आपको क्या आते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए दोस्तों पहले जो ये ऑप्शन है इस यहाँ पर देखिए, पहले जो हमने अल्टरनेट नंबर दिया था इस नंबर पर एक OTP जाएगी, जो कस्टमर का अल्टरनेट नंबर है उस नंबर पर गई है दोस्तों पहले OTP, ठीक है। तो OTP का थोड़ा सा वेट कर लें। देखिए OTP आ गई मेरी, मैं OTP फटाफट फिल कर देता हूँ। देखिए अब जैसे हमने ये किया, फिर यहाँ पर से आई एग्री करना है, यानी कि हमें अब हमारा जो सीट ऑफ नंबर है दोस्तों, जो आइडिया की फ्लेक्सी का नंबर है, उस नंबर पर एक OTP जाएगी, ठीक है। अब वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो अगर आप लोग का नेटवर्क सही होगा तो OTP तुरंत आ जाएगी दोस्तों। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें कि OTP थोड़ी लेट से आ रही है, एक दो मिनट लेट से। तो मैंने रिसेंट सेंड OTP अगेन पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर, फिर मेरी OTP आ गई, ठीक है। तो मैंने डालकर प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, और यहाँ पर देखिए अब इसके बाद में आप लोग कंटिन्यू या एडिट FRC पर, मतलब आप लोग FRC भी अभी डाल सकते हैं। FRC पर हमने क्लिक किया, अब हमको देखिए FRC पर जैसे हमने क्लिक किया, फिर मैं अपना पिन डाल देता हूँ और FRC कंप्लीट हो गई, यानी कि ये सिम हमारा एक्टिवेट हो गया दोस्तों। या हम तो दोस्तों इस टाइप से आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। और सिम एक्टिवेट होने के बाद में आपको करना क्या है, आपको कस्टमर के जो भी आप होगा तो उस पर आप एक नंबर, इसको नंबर लिख कर दे दें, और दूसरी बात आप एक 59059 ये नंबर भी लिख कर दे दें। ये टेली वेरिफिकेशन का नंबर है दोस्तों, इससे कस्टमर अपनी वेरिफिकेशन कराएगा तभी उसकी सिम चालू होगी, जिससे कॉलिंग हो पाएगी, ठीक है। उसमें कस्टमर से क्या पूछा जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे ही कस्टमर 59059 पर कॉल करेगा तो सबसे पहले उससे उसकी भाषा सेलेक्ट करने को पूछी जाएगी, तो अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेगा, प्रेस वन से इंग्लिश और प्रेस टू से हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में उसने जो अल्टरनेट नंबर दिया है, जो दूसरा उसने मोबाइल नंबर दिया था, उस नंबर पर एक OTP चली जाएगी, तो वो OTP उससे मांगा जाएगा। तो जैसे ही वो अपना OTP एंटर करेगा मोबाइल में, उसकी सिम 15 मिनट में चालू कर दी जाएगी। और बाई चांस अगर वो नंबर उसके पास OTP नहीं आती है, तब क्या करना पड़ेगा कि 3 बार OTP मांगेगा सिस्टम मोबाइल में जो कॉल करेंगे,
तो उसमें उसको कुछ भी नहीं दबाना है, और तीन बार अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलने पर वो तुरंत आपका जो जैसे आपने आधार कार्ड से सिम ली है तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि आप अपने आधार कार्ड के लास्ट के चार अंक दबाएं, ठीक है। तो आप आधार कार्ड के लास्ट के चार अंक दबा सकते हैं। जैसे कस्टमर दबाएगा उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ का सन पूछा जाएगा, जैसे 1994 का है तो 1994 दबाएगा 1994, ठीक है। इस टाइप से जब वो एंटर करेगा उसके 15 मिनट के बाद में सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये काम आप लोग ध्यान से करवा लें, वरना आप लोग पछताएंगे कि और आप लोग कहेंगे कि आपकी सिम नहीं खुल रही है, वरना कस्टमर को भी प्रॉब्लम होगी कि सिम में टावर आएंगे लेकिन सिम से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक वो अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा तब तक उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं एक एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और ज़रूर पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त जो बगल में बेल आइकन मिले उसको भी आप लोग दबा दीजिए। और अगर आप लोग चाहें तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपना सोशल मीडिया का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर से भी जुड़ सकते हैं हमसे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ठीक है।